जी अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मधुबला पूछे का मौका मिला है उसका उनान है इन। जैसा कि आप सब जानते हैं इनके लगभग मैंने है जानना किसी चीज की माहियत या हकीकत दरियाफ्त करना, इसके फवायद और निकायस से वाकिफ होना, मुकाम इस्तेमाल जानना और सही मकसद से इस और सही मौके पर इससे मुस्तफीद होने का नाम इन है। इल्म एक पायदार दौलत है जिसको कभी जवाल नहीं। तंदुरुस्ती के साथ बीमारी है, दौलतमंदी के साथ गरीबी है, गर्ज ये कि ऐसी कोई शहर नहीं जिसको कभी जवाल ना हो। इल्म के सैकड़ों या लाखों करामत हैं जो हमारे देखने में आई हुई है। वो इंसान जिसकी आवाज़ एक या दो फरलांग तक मुश्किल से सुनी जा सकती थी, आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सुनी जा सकती है। इल्म ने इंसान को सफाई और पाकीज़गी के असूल समझाए, नेकी और बदी में फर्क समझाया। तो इल्म ने इंसान को फिदाए आसमान में किसने उड़ाया, समुंदर के सीने किसने चीरे, पानी से बिंदी किसने पैदा की, इल्म ने सिर्फ इल्म ने। इंसान को सही मानों में इंसान बनाने का काम इल्म है, इल्म का है, वरना इंसान और हैवान में कोई फर्क नहीं। कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, अरिस्तू, जालिनूस, शेख सादी वगैरह बेशुमार रहनुमा थे जिनके नामों निशान भी, लेकिन इनकी बदौलत आज तक जिंदा है। इल्म एक ऐसी शय है जो साहिब इल्म को मरने के बाद भी जिंदा हो जाती है। इल्म एक नूर है जो इंसान को तारीकी से रोशनी की तरफ ले जाता है। इल्म बहरे बेकरां है, इल्म वो चश्मा है जिसके सामने चश्मा या बेहयात भी पीछ है। सच है इल्म बड़ी दौलत है। शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपको ऐसे ही मालूमाती वीडियो देता रहूँ। शुक्रिया।